गुड मॉर्निंग एवरी वन एंड वेलकम टू पेनलम ईडियो पेंडलम ईडियो पर आप सभी का स्वागत है गाइज आज के सेशन में हम लोग डेली करंट अफेयर्स पढ़ेंगे और फर्स्ट जून टू थाउजेंड ट्वेंटी टू जल्दी सेशन को लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए बेलाइकन को प्रेस कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए शुरुआत करते गाइज हम लोग सेशन की सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो भी बच्चे यू पी पी सी एस की तैयारी गाइज ऑल इंडिया मेगा मॉक आपका आने वाला है फाइव जून को लाइव होगा तो आज ही उसके लिए रजिस्टर करिए और अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप यू पी पी कोड लगाइए एंड आपको थर्टी परसेंट ऑफ़ यहाँ पर मिल जाएगा इसके अलावा बच्चे जो सी बी टी टू की तैयारी कर रहे हैं एन टी पी सी सी बी टी टू की वो सी बी टी टू की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं इसके अलावा आप हाफ एली करंट अफेयर्स बैंकिंग अवेयरनेस इंग्लिश हिंदी दोनों में परचेज कर सकते हैं तो शुरुआत करेंगे हम लोग सो फर्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली कैबिनेट हैज़ द सेल ऑफ द गवर्नमेंट्स रिमेनिंग ट्वेंटी कैबिनेट ने निम्न से किस कंपनी में सरकार की शेष ट्वेंटी नाइन पॉइंट फाइव हिस्सेदारी की बिक्री को मंजूरी दी है सो बी पी सी एल हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड एन एच पी सी एंड नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड बताएंगे सो करेक्ट आंसर्स का ऑप्शन बी हो जाएगा दैट इज हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड आगे बढ़ेंगे सो so, गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है सेल ऑफ जो रिमेनिंग उसका स्टेक बचा है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में दैट इज ट्वेंटी 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को अलाउ कर दिया था कि जो रिमेनिंग शेयर होल्डिंग है हिंदुस्तान जिंक में उसको वो कर, डाइवेस्ट कर सकते हैं उसको बेच सकते हैं सो करेंटली वेदांता के पास 64.92 परसेंट स्टेक है हिंदुस्तान जिंक का वो ओन करती है सो so, ये 2002 में प्राइवेटाइज किया गया था हिंदुस्तान जिंक और इसका जो मैनेजमेंट है वो वेदांता ग्रुप की जो सब्सिडरी है स्टेरलाइट उसको ट्रांसफर कर दिया गया था अगला क्वेश्चन देखेंगे विथ स्टेट गवर्नमेंट हैज़ गिवन परमिशन फॉर दी एक्सप्लोरेशन ऑफ इंडियाज़ लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व किस राज्य सरकार ने भारत के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार की अन्वेषण की अनुमति दी है उड़ीसा राजस्थान छत्तीसगढ़ एंड बिहार गवर्नमेंट सो so, ये जो इंडिया का लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व है इसके एक्सप्लोरेशन के लिए परमिशन किसने दी है बिहार सरकार ने दी है बिहार गवर्नमेंट ने दी है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा सो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हिसाब से 22.8 मिलियन टन का गोल्ड रिजर्व है जमुई डिस्ट्रिक्ट में जमुई डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार उसमें कहा गया है कि ये आ, इंडिया का लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व है और इसका एक्सप्लोरेशन को अलाउ कर दिया गया है बिहार गवर्नमेंट के द्वारा सो स्टेट गवर्नमेंट अब कोई एम साइन कर सकते हैं किसी भी सेंट्रल एजेंसी या एजेंसीज के साथ उसके प्रिलिमिनरी स्टेज एक्सप्लोरेशन के लिए सो सर्वे फाइंडिंग क्या बता रही है कि जो गोल्ड है ये करमटिया जाजा और सोनू ये जमुई डिस्ट्रिक्ट के एरियाज है जहाँ पर ये प्रेजेंट है सोना प्रेजेंट है सो स्टेट माइंस एंड जियोलॉजी डिपार्टमेंट दिस हैज रिसीव प्रपोजल फ्रॉम एनएमडीसी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और माइंस एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड से अभी इनको प्रपोजल आए हैं फॉर गोल्ड एक्सप्लोरेशन इसके अलावा टोटल अगर गोल्ड रिजर्व्स की बात करें प्राइमरी गोल्ड रिजर्व्स की इंडिया में सो एज ऑफ फर्स्ट अप्रैल 2015 अकॉर्डिंग टू नेशनल मिनरल इन्वेंट्री टोटल रिसोर्स जो प्राइमरी गोल्ड का है दिस इज एस्टिमेटेड टू बी 501.83 मिलियन टन लार्जेस्ट रिजर्व गोल्ड ओवर का प्राइमरी में देखें तो ये बिहार में प्रेजेंट है 44 परसेंट देन फॉलोड बाय राजस्थान एंड देन कर्नाटका कर्नाटक का, का लार्जेस्ट गोल्ड प्रोड्यूसिंग स्टेट है ठीक है वो रिजर्व की बात कर रहे हैं गोल्ड और कहाँ पर प्रेजेंट है ये है प्रोडक्शन प्रोडक्शन वाइज देखें तो कर्नाटका लार्जेस्ट गोल्ड प्रोड्यूसिंग स्टेट है कोलार और हुती टू मेजर गोल्ड फील्ड्स है कर्नाटका में जिसमें जो कोलार फील्ड है उसमें जो एक्सट्रैक्शन हो रहा था उसको बंद कर दिया गया था ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन वट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड नो टोबैको डे टू थाउजेंड ट्वेंटी टू विश्व तम्बाकू निषेध दिवस दो हजार बाईस का विषय क्या है टोबैको इज किलिंगस एंड अर प्लैनेट क्विट टोबैको टू बी अनर प्रोटेक्टिंग यूथ फ्राम इंडस्ट्री मेनिपुलेशन एंड प्रिवेंटिंग दम टोबैको एंड लंग हेल्थ सो वर्ल्ड नो टोबैको डे ये इकतीस मई को मनाया जाता है एंड इसका थीम क्या था थीम था इसका टोबैको इज किलिंगस एंड अदर प्लानट सो टोबैको के क्या इल इफेक्ट्स होते हैं अननेसेसरी जो डेथ कॉज होती है इसकी वजह से सो so, उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये दिन मनाया जाता है 1987 में वर्ल्ड हेल्थ असम्बली ने ये डे को सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया था बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन एट्टी टू नाइन्टी परसेंट जिन लोग को लंग कैंसर है लोगों को उनकी कहीं ना कहीं टोबैको या स्मोकिंग टोबैको स्मोकिंग की हिस्ट्री रही है सो so, जो टोबैको में निकोटीन प्रेजेंट होता है इससे कार्डियोवास्कुलर डिजीज होते हैं और रेस्पिरेटरी डिजीजेस होते हैं चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट नेक्स दे देखिए द टेन डे जेन नेक्स्ट डेमोक्रेसी नेटवर्क प्रोग्राम वॉज ऑर्गेनाइज बाई विच ऑर्गेनाइजेशन दस दिवसीय जनरल नेक्स्ट डेमोक्रेसी नेटवर्क कार्यक्रम किस संगठन द्वारा आयोजित किया गया था

इस कंक्लूडिंग सेरेमनी में ट्वेंटी सेवन डेलीगेट्स छः राज्यों से घाना बांग्लादेश पेरू नेपाल ब्रूनी और नॉर्वे इनसे आए थे जिन्होंने अपनी इंडिया को विजिट करने में अपनी जो उनका एक्सपीरियंस रहा है उसको शेयर किया बात करें आई की तो एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है नाइनटीन में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा इसको फाउंड किया गया था सो so, जो भी कल्चरल एकेडमिक एंगेजमेंट है विद अदर कंट्रीज़ जो भी है ग्लोबली वो सारा आईसीसीआर के द्वारा मैनेज किया जाता है हेड क्वार्टरस के न्यू दिल्ली में है और करंटली इसके डायरेक्टर जनरल कुमार तुहिन हैं याद रखिएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट अगेन सुपर कंप्यूटर परम अनंता विद कैपेबिलिटी ऑफ एट थर्टी एट टेरा फ्लॉप्स वॉज इंस्टॉल्ड एट विच आई आई टी इंस्टीट्यूट सो इससे पहले आपको याद होगा परम परलो, पर्लो जो हमने एक पढ़ा था so in NIT, सुपर कंप्यूटर सो दैट वाज इंस्टॉल्ड इन एन आई टी एंड सिमिलरली जो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन है उसके फेज़ टू के तहत परम अनंता को इंस्टॉल किया गया कहाँ पर इंस्टॉल किया गया है आई गांधी नगर में इंस्टॉल किया गया है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा सो ट्वेल्व अक्टूबर 2020 को आईआईटी गांधीनगर और सेंटर फॉर डेवलपमेंट इन एडवांस कंप्यूटिंग जो हेल्प करता है इन सुपर कंप्यूटर्स को डेवलप करने में इन्होंने एमयू .E. पर हस्ताक्षर किए गए किए थे कि यहाँ पे 838 थर्टी एट टेराफ्लॉप्स का ये सुपर कंप्यूटर इंस्टॉल किया जाएगा सो so, अगेन ये जो सुपर कंप्यूटर है इसमें भी जैसा हमने परम पौरलुग में पढ़ा था डायरेक्ट कॉन्टैक्ट लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है जिसकी वजह से इसमें कॉस्ट कम होगी ऑपरेशन कॉस्ट और पावर एफिशिएंसी बहुत बेहतर होगी सो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन ये 2015 में लॉन्च किया गया था इसके अंदर गत जो है 24 फोर पेटाफ्लॉप्स जो है वो सुपर कंप्यूटर्स विथ ट्वेंटी कैपेसिटी ऑफ 24 फोर पेटाफ्लॉप्स इंस्टॉल किए जाएंगे 2019 में पहला सुपर कंप्यूटर परम शिवाय ये डिज़ाइन और बिल्ड किया गया था बाई सी एट आई आई टी वाराणसी ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन देखिए विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च एन ऑनलाइन पोर्टल टू स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स एंड टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स किस संगठन ने उच्च शिक्षा संस्थानों और शिक्षक शिक्षा संस्थानों के शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रमों की मान्यता की प्रक्रिया को सुसंगत बनाने के लिए पोर्टल लॉन्च किया है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग एन UGC, All India Council for Technical ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन Teacher Education. एंड नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन वैसे क्वेश्चन में आपको देख के समझ में आ जाएगा कि किसने जारी किया होगा नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन सो ये पोर्टल का मेन पर्पज़ यही है कि जो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है उसका जो प्रोसेस है उसको स्ट्रीमलाइन करना है फॉर हायर एजुकेशन एंड टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए इस पोर्टल को इस्तेमाल किया जाएगा टू प्रोसेस एप्लीकेशन फॉर रिसेंटली लॉन्च फोर ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के लिए इसको इस्तेमाल किया जाएगा पोर्टल को एन की बात करें तो एक इंडियन गवर्नमेंट स्टेटरी बॉडी है जो नाइनटीन में इस्टेब्लिश हुई थी अंडर द नैशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एक्ट ऑफ नाइन्टीन तो उन्नीस में ये इस्टेब्लिश हुई थी to formally monitor standards and processes in the Indian education system. Headquarter कहाँ पर है इसके New Delhi में है and chairperson कौन है इसे currently Dinesh Prasad Saklani है ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे next देखिए Consider the following statements with respect to PM Cares for Children scheme. So PM Cares for Children scheme अभी चर्चा में है तो क्यों इसके बारे में कौन सा statement correct है पीएम मोदी ने पीएम एम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम 30 में 2022 को लॉन्च की एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इसकी नोडल मिनिस्ट्री है जो इसको इम्प्लीमेंट करती है सो वन ओनली टू ओनली बोथ वन एंड टू एंड नीदर वन नॉट टू सो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा गाइज ऑप्शन डी हो जाएगा दैट इज़ नीदर वन नॉट टू दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है गलत क्यों है क्योंकि पीएम मोदी ने अभी तीस मई को स्कीम को लॉन्च नहीं किया स्कीम के जो बेनिफिट्स हैं उसको लॉन्च किया है छः बच्चों को गोवा में पी एम केयर्स किट दी गई हैं जिसमें पी एम एक पासबुक है पी एम केयर्स फॉर चिल्ड्रन की और एक हेल्थ कार्ड है अंडर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सो so, इस मेन पर्पज़ इस पी एम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम का पर ऑब्जेक्टिव क्या है पर्पज़ क्या है कि जो चिल्ड्रन हैं उनको दस लाख तक का फाइनेंशियल सपोर्ट देना है जब तक कि वो तेईस साल के हो जाते हैं जब तेईस साल के हो जाएंगे तो उनको दिया जाएगा दस लाख रुपए का फाइनेंशियल सपोर्ट सो मिनिस्ट्री ऑफ़ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट क्योंकि बच्चों से रिलेटेड है तो मिनिस्ट्री कौन सी हो जाएगी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इसकी नोडल एजेंसी है ये स्कीम लॉन्च कब की गई थी ये लास्ट ईयर 29 मई को लॉन्च की गई थी पीएम मोदी के द्वारा और जो भी बच्चे हैं जिन्होंने अपने पेरेंट्स को कोविड 19 की वजह से खोया है ड्यूरिंग 11 मार्च 2020 टू तो 28 फरवरी 2022 उन सबको इसमें कंसिडर किया जाएगा इसके अलावा जिन्होंने अपने लीगल गार्जियंस या फिर अडॉप्टिव पेरेंट्स को भी खो दिया है सेम ड्यूरेशन में सो उनके लिए भी स्कीम एप्लीकेबल है लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है कि दो चाइल्ड है दैट शुड नॉट बी शुड नॉट हैव कम्प्लीटेड द 18 ईयर्स ऑफ एज वो 18 साल का नहीं होना चाहिए उससे पहले ही अगर वो है तो उसको इस स्कीम का पार्ट बनाया जाएगा आई होप ये क्लियर होगा आगे बढ़ते नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोमिनेशन बैंक नोट्स इज लीस्ट प्रेफर्ड बाई पीपल इन इंडिया एज पर दी आर बी आई सर्वे आर बी आई ने हाल ही में सर्वेक्षण किया है तो उसके अकॉर्डिंग कौन से बैंक नोट है जो लोगों के द्वारा कम पसंद किए गए हैं सो रुपीज़ हंड्रेड टू हंड्रेड फाइव हंड्रेड एंड टू थाउजेंड सो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा दैट इज़ टू थाउजेंड ज़्यादा अमाउंट का नोट है तो लोगों के द्वारा प्रेफर कम किया जाता है क्योंकि छुट्टे भी नहीं मिलते हैं आसानी से है ना सो एज़ पर दी आरबे सर्वे सो सबसे ज़्यादा uh, जो प्रेफर्ड नोट है बैंक नोट है दैट इज रुपीज हंड्रेड नोट टू थाउजेंड वाला लीस्ट प्रेफर्ड है कॉइंस में देखें तो फाइव रुपी फाइव वाला मोस्ट प्रेफर्ड है एंड रुपी वन वाला लीज प्रेफर्ड है शॉपकीपर्स भी कई बार रूपी वन नहीं लेते हैं एटलीस्ट सेवन आउट ऑफ टेन सर्वे रेस्पोंडेंट्स दीज सेटिस्फाइड विद द न्यू सीरीज ऑफ बैंकलोट्स जितने लोगों का सर्वे किया गया था उसमें से कम से कम सेवन इस टू टेन का रेशियो था जो लोग सैटिस्फाइड uh, थे विद न्यू सीरीज ऑफ़ बैंकनोट्स सो वॉटर मार्क ऑफ महात्मा गांधी सो द वाटर मार्क ऑफ महात्मा गांधी इमेज इज़ द मोस्ट रिकोगनाइज सिक्योरिटी फीचर लोगों को जो के गांधी जी की फ़ोटो देखनी चाहिए बैंक नोट में ये सबसे बड़ा फीचर था जिसके जैसे लोग रिकग्नाइज कर सकते हैं देन नेक्स्ट था विंडो सिक्योरिटी थ्रेड जो तार आप देखते हैं नोट्स में सो सेकेंड है उसकी पहचान कि हाँ ये नोट जो है असली है नकली है उस हिसाब से सो ऑलमोस्ट थ्री परसेंट ऑफ रेस्पॉन्डेंट्स वन नॉट अवेयर ऑफ एनी बैंक नोट सिक्योरिटी फीचर तीन परसेंट ऐसे लोग थे जिनको पता नहीं था कि किस तरह से चेक किया जाता कि कोई नोट आपका फेक है या आर द्वारा जारी किया गया है सो so, आर की एनुअल रिपोर्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी के अकॉर्डिंग जो वैल्यू है टोटल टू थाउजेंड रुपीज टू थाउजेंड नोट्स की इन सर्कुलेशन इसकी वैल्यू डिक्लाइन हो चुकी है टू थर्टीन पॉइंट एट परसेंट लास्ट ईयर सेवेंटीन पॉइंट थ्री परसेंट सर्कुलेशन में थे अभी थर्टीन पॉइंट एट परसेंट सर्कुलेशन में है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन देखिए विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के बारे में कौन सा कथन सही है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी हैज रिसेंटली लॉन्च एन ऑनलाइन डैशबोर्ड फॉर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन एंड इसको 2014 में डेवलप किया गया था फॉर डेवलपिंग एंड इंटीग्रेटेड डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री सो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वन ओनली टू ओनली both one and two and none of the above. so correct answer is is option A that is one only one सही है, क्योंकि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को 2020 में लॉन्च किया गया था अगस्त 2020 में एंड नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने अभी इसके लिए एक ऑनलाइन डैशबोर्ड लॉन्च किया है सो so, ये जो ऑनलाइन डैशबोर्ड है इसमें रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलेगी किसके बारे में आभा नंबर्स के बारे में जिसको पहले हेल्थ आई भी कहते थे अभी इनको आभा नंबर्स कहा जा रहा है दैट इज आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट्स इसके अलावा हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री के कितने डॉक्टर्स नर्सेज रजिस्टर्ड हैं एंड हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री की कौन कौन से हॉस्पिटल्स हैं ये सारी जानकारी रियल टाइम इंफॉर्मेशन आपको इस डैशबोर्ड uh, पर मिल जाएगी हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री दिस इज रिपोजिट्री ऑफ ऑल हेल्थ फैसिलिटीज इन द कंट्री ठीक है कहाँ पर हॉस्पिटल है प्राइमरी केयर सेंटर्स हैं वो सारी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी इसके अलावा जो नंबर ऑफ़ हेल्थ फैसिलिटीज़ है जैसे कि हॉस्पिटल्स लेबोरेटरीज वो भी सारी अवेलेबल हो जाएंगी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ये अगस्त 2022 में ट्वेंटी में लॉन्च लौ, किया गया था ताकि एक इंटीग्रेटेड डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हम कंट्री में बना सकें और कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सेस करनी है तो वहीं से एक्सेस हो जाए इसके अलावा आभा ऐप भी लॉन्च किया गया था नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा जो कि रिवैम्प्ड ऐप था तो इसमें क्या है कि जो हेल्थ आईडीज़ वग़ैरह हैं वो इशू की जा सकती हैं पेरेंट्स अपने बच्चों की हेल्थ आईडीज़ डीज़ इशू कर सकते हैं इसके अलावा अपनी जो मेडिकल uh, हिस्ट्री है जो रिपोर्ट्स वगैरह हैं उनको भी बंदा अपलोड कर सकता है ठीक है सारी फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी उसमें चलिए नेक्स्ट देखिए गवर्नमेंट विल लॉन्च अ कॉमन प्लेटफॉर्म जन समर्थ वॉट इज द प पर्पज ऑफ दिस प्लेटफॉर्म सरकार एक साझा मंच जन समर्थ लॉन्च करेगी इसका उद्देश्य क्या है सो डिलीवरी ऑफ सर्विस ऑफ स्कीम्स रन बाय द गवर्नमेंट टू कनेक्ट वर्कर्स विद इंडस्ट्रीज फॉर द डिलीवरी ऑफ मेल बाय ड्रोन्स टू गिव फ्री लीगल एडवाइस टू वुमेन सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा सो डिलीवरी ऑफ मेल बाय ड्रोन्स ये अभी एक प्रोजेक्ट पायलट प्रोजेक्ट गुजरात में चलाया गया था डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा ठीक है सो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा जनसमर्थ जो प्लेटफॉर्म है इसका मेन पर्पज़ है जो गवर्नमेंट स्कीम्स है जो रन की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा उनकी डिलीवरी टाइम से हो सके टाइमली डिलीवरी हो सके जो मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स हैं उन सभी के लिए सो so, पंद्रह इसमें क्रेडिट लिंक गवर्नमेंट स्कीम्स को लिंक किया जाएगा शुरुआत में एंड देन फिर ऑल स्कीम्स को भी लिंक किया जाएगा सो मेन पर्पज वही है इसका कि जितनी भी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की वो सारी सर्विसेज एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पे लाई जा सके ताकि जो भी बेनिफिशरीज हैं वो बिना किसी परेशानी के इसका लाभ उठा सके सो so, पोर्टल में ओपन आर्किटेक्चर रहेगा जिससे जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो भी और जो बाकी इंस्टीट्यूशन्स हैं वो भी अपनी स्कीम को इस यहाँ पर शोकेस कर सकते हैं सो so, गवर्नमेंट ने एक पोर्टल लॉन्च किया था 2018 में जिसमें क्रेडिट प्रोडक्ट्स जैसे इन एमएसएमई होम ऑटो और पर्सनल लोन्स ये सारे जो है अवेलेबल थे सो दिस पोर्टल गिव्स लोन्स बाय एनालाइजिंग डेटा ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न्स, जीएसटी डेटा बैंक स्टेटमेंट्स एक्सेट्रा इसमें जो लोन्स हैं वो इनकम टैक्स रिटर्न को दे के जी रिटर्न इन सबको कंसिडर करके लोन दिया जाता है अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वॉज फॉर्मड इन नाइनटीन एटी सेवन आफ्टर द इंडिपेंडेंस जब भारत स्वतंत्र हो गया था उसके बाद उन्नीस सौ सतासी में किस राज्य का गठन हुआ था सिक्किम छत्तीसगढ़ मेघालय एंड गोवा बताएंगे गाइस कमेंट करके करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका सो करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी ऑप्शन डी दैट इज गोवा तो गोवा ने अभी अपना स्टेटहुड डे सेलिब्रेट किया है सिक्किम ने भी अपना स्टेटहुड सेलिब्रेट किया था अभी मई में ही सो so, गोवा ने अपना थर्टी फिफ्थ स्टेट हुड डे तीस मई को सेलिब्रेट किया क्योंकि 1987 में 30 में 1987 को उसको पूरा स्टेट हुड यहाँ पर मिला है राज्य का दर्जा मिला पोर्तुगीज़ ने हमारे इंडिया के इंडिपेंडेंट होने के चौदह साल तक जो है गोवा पर रूल किया है एंड 1961 19 दिसंबर 1961 को गोवा फाइनली पॉर्तगीज से इंडिपेंडेंट हुआ था उसके बाद गोवा को दमनन दीव के साथ मिलाकर एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया था थ्रू द ट्वेल्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1960 टू नेक्स्ट ईयर इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था फिर फुल स्टेट हुड इसको 1987 में प्राप्त हुआ था गोवा ये एक वेस्टर्न इंडिया में स्टेट है इसका कोस्ट लाइन अलॉन्ग द अरेबियन सी स्ट्रेच करता है दिस इज लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडियन पेनसुला इसके मेन टाउन्स हैं पंजी मारगा वास्को मापूसा एंड पोंडा चीफ मिनिस्टर यहाँ पर कौन है प्रमोद सावंत हैं और गवर्नर पीएस श्रीधरन पिल्लई हैं कैपिटल इसकी पनजी है स्टेट बर्ड की हम बात करें तो फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल है एंड स्टेट एनिमल स्टेट स्टेटरी मट्टी है इसके अलावा और भी स्टेट्स के हम लोग फॉर्मेशन ईयर की बात करें तो हिमाचल प्रदेश ये 1971 में स्टेट बना था मणिपुर एंड त्रिपुरा नाइनटीन में ये फुल स्टेट का इनको दर्जा मिला था भारत के राज्य बने थे मेघालय 1972, सिक्किम 1975 में बना था राज्य मिजोरम 1987, अरुणाचल प्रदेश अगेन 1987, गोवा अगेन 1987 उत्तराखंड छत्तीसगढ़ और झारखंड ये 2000 में बने थे उत्तराखंड यूपी से अलग होके बना था छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होके एक स्टेट बना था एंड झारखंड आपका बिहार से अलग होकर एक स्टेट बना था देन तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर 2014 में एक नया स्टेट बना था ठीक है चलिए आई होप ये क्लियर होगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ अडानी हाइब्रिड एनर्जी से फर्स्ट विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्लांट एट विच प्लेस अडानी हाइब्रिड एनर्जी की एक सहायक कंपनी ने भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट के स्थान पर स्थापित किया है जयपुर जैसलमेर जोधपुर एंड अजमेर सो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा जैसलमेर में इस प्लांट को इंस्टॉल किया गया है पहला जो है ये इंडिया का विंड सोलर हाइब्रिड प्लांट है सो दिस विल बी फर्स्ट इंटीग्रेटेड विंड एंड सोलर पावर प्लांट सोलर हाइब्रिड जनरेशन प्लांट जिसमें बिजली जो है आपकी जनरेट की जाएगी यूजिंग विंड एनर्जी एंड सोलर एनर्जी सो इसके अलावा इस नए प्लांट के लिए एक पावर परचेज एग्रीमेंट सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ अडानी हाइब्रिड एनर्जी की सब्सिडरी ने साइन भी किया है सो so, इसका जो कमिश्निंग है दिस इज अनदर स्टेप कि इंडिया के जो रीनबल uh, एनर्जी को अचीव करने के टारगेट हैं सस्टेनेबल एनर्जी गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए अच्छा कदम है सो दिस प्रोजेक्ट इज़ अ पार्ट ऑफ फर्स्ट कंस्ट्रक्शन फैसिलिटी बाय इंटरनेशनल बैंक्स इन अडानी ग्रीन सो नाउ एजीएल हैज़ एन ऑपरेशनल कैपेसिटी ऑफ 5.8 पॉइंट अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड सो ये एक एनर्जी कंपनी है जिसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है अहमदाबाद गुजरात में है अगला क्वेश्चन देखिए गाइस इंपॉर्टेंट अगेन हु हैज़ गॉट एन एडिशनल चार्ज ऑफ लोकपाल चेयरपर्सन लोकपाल अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार किसे मिला है जस्टिस मोहान्टी जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष जस्टिस अजय कुमार एंड जस्टिस रूपा चौधरी सो लोकपाल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है सो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा दैट इज जस्टिस मोहान्टी को जो है यहाँ पर एडिशनल चार्ज दिया गया है एज हैज चेयरपर्सन ऑफ लोकपाल जब तक कि नया लोकपाल नहीं अपॉइंट होता है पिनाकी चंद्र घोष इनका अभी हाल ही में ये रिटायर हो चुके हैं सो so, इसीलिए ये पोस्ट अभी वैकेंट था तो इसको फिल करने के लिए मोहंटी जी को एडिशनल चार्ज दिया गया है लेटर ऑन जब नया अपॉइंट हो जाएगा तो ये हट जाएंगे सो so, बात करें लोकपाल की एक स्टैटरी बॉडी सबसे पहले तो so, ये एक वैधानिक निकाय है ठीक है ये एक वैधानिक निकाय है एंटी करप्शन अथॉरिटी सो so, लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 दिस हैज़ प्रोवाइडेड के स्टेट्स में लोकायुक्ता और सेंटर में लोकपाल को अपॉइंट किया जाए सो डॉक्टर एल एम सिंघवी ने इस टर्म को कॉइन किया था लोकपाल एंड लोकायुक्ता इसके अलावा महाराष्ट्र पहला राज्य है ऐसा जिसने लोकायुक्त को स्टैब्लिश किया था ये फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है गाइस लोकपाल में आठ सदस्य हो सकते हैं और इसको एक चेयरपर्सन हेड करता है करेंटली छः सदस्य हैं लोकपाल में लोकपाल चेयरपर्सन उसके जो मेंबर्स हैं ये कितने समय के लिए अपॉइंट होते हैं इनका कार्यकाल या तो पाँच साल का होगा या फिर जब तक कि वो सत्तर साल के नहीं हो जाते जो भी इनसे पहले वो अचीव कर लेंगे वो उतना उनका टर्म रहेगा इनको अपॉइंट करता है चेयरपर्सन मेंबर्स ऑफ लोकपाल को प्रेजिडेंट अपॉइंट करते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमेटी सिलेक्शन कमेटी के रिकमेंडेशन पे सो सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन शामिल होता है इम्पोर्टेंट गाइस है इस सिलेक्शन कमेटी में सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर होते, है, होते हैं जो कि चेयरपर्सन होते हैं सिलेक्शन कमेटी के इसके अलावा लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा अब यहाँ पे आ, दिक्कत ये आई थी कि आ, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा की बात चल रही थी तो उस टाइम पे लीडर ऑफ ऑपोजिशन कोई था नहीं तो इसलिए काम में डिले हो रहा था फिर इसमें अमेंडमेंट किया गया कि लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ऑपोजिशन पार्टी सो लीडर ऑफ सिंगल सिंगल लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी फिर इसके बाद स्पीकर ऑफ लोकसभा स्पीकर ऑफ लोकसभा इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा नॉमिनेट किया गया हो वो एंड इसके अलावा एक एमिनेंट जूरिस्ट तो पांच सदस्य होते हैं इस कमिटी में फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ सो so, एक तो चेयरपर्सन होते हैं प्राइम मिनिस्टर एज अ चेयरपर्सन होते हैं

सबसे अधिक शुद्ध लाभ अर्जित किया है बैंक ऑफ बड़ोडा कैनरा बैंक एक्सिस बैंक एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बताएंगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका सो so, कौन सा से पब्लिक सेक्टर बैंक है जिसने सबसे ज्यादा प्रॉफिट अर्न किया है 2021-22 में सो दिस इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सो जो मर्जर हुए हैं ट्वेल्व जो स्टेट ओन बैंक है उनका जो मर्जर हुआ था सो so, जो फाइनली बने थे उनको इस बार बहुत प्रॉफिट हुआ इस चीज की वजह से सो so, जो कम्बाइंड प्रॉफिट है ट्वेल्थ पब्लिक सेक्टर बैंक्स का करेंटली 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं सो दिस इज़ रुपीज सिक्सटी करोड एंड दिस हैज़ इंक्रीज लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 110 सौ दस परसेंट इसमें बढ़ोतरी हुई है सो so, बहुत सालों के बाद जो 12 स्टेट ओन स्टेट ओन बैंक्स हैं इन्होंने नेट प्रॉफिट को रिपोर्ट किया है जो प्रॉफिटेबिलिटी है बैंक की ये इम्प्रूव हुई है आफ्टर द क्लीन अप ऑफ बैड बैंक्स बैड लोन्स एंड द मर्जर ऑफ़ टेंथ स्टेट तो एक तो मर्जर एक रीज़न है और दूसरा क्या है कि जो बैड लोन्स है वो क्लीन हो गए हैं सो so, जो ईजी लिक्विडिटी है जो आर के द्वारा यहाँ पर प्रोवाइड की गई है और जो ग्रोथ सेगमेंट्स है जैसे कि रिटेल लोन्स में बढ़ोतरी हुई है सो so इनकी वजह से भी बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है सो एस बी का नेट प्रॉफ़िट सबसे हाईएस्ट रहा दिस वाज 55 परसेंट लास्ट ईयर से ज़्यादा है लास्ट ईयर कंपैरिजन में टोटल जो इसका प्रॉफिट है नेट प्रॉफिट वो थर्टी वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेण्ड सेवेंटी फाइव करोड़ हुआ है बैंक ऑफ बड़ोडा दूसरे स्थान पर है इसके बाद कैनरा जो है वो तीसरी पोजिशन पर है प्राइवेट बैंक्स ने भी प्रॉफिट यहाँ पर रजिस्टर किया है ऑफ ओवर नाइन्टी वन थाउजेंड करोड़ जो लास्ट ईयर से ट्वेंटी नाइन परसेंट ज्यादा है प्राइवेट बैंक्स में देखें तो एच डी एफ सी ने सबसे ज़्यादा प्रॉफिट अर्न किया है फिर आई सी आई सी बैंक एंड देन एक्सिस बैंक है ये टॉप थ्री मोस्ट प्रॉफिटेबल प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं तो आपसे प्राइवेट सेक्टर का भी पूछ सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में सबसे प्रॉफिटेबल कौन सा रहा है तो एच रहा है बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने लेस देन वन परसेंट एन जो है यहाँ पर रिकॉर्ड किया है ठीक है सो so, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है सो गाइज दिस वॉज ऑल अबाउट टू करंट अफेयर आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया इसको डू सब्सक्राइब इट एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन